हमारे साथ है रायबरेली की सदर सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एडवोकेट अनिता श्रीवास्तव। वो ये नारा दे रही हैं कि हमारे सामने बाहुबली की बेटी है, क्योंकि सामने अखिलेश सिंह की बेटी आदित्य सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। अनिता जी, एक तो रायबरेली को वैसे ही कांग्रेसियों का गढ़ माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कभी बड़े उम्मीदवार भी खड़े नहीं किए और खूब मेहनत भी नहीं हुई, और विधानसभा के चुनाव में भी या तो क्षेत्रीय पार्टियां समाजवादी पार्टी जीत जाती हैं और लोकसभा की सीट तो कांग्रेस के नाम ही होते रहते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ने का हौसला कैसे हुआ? इस बार हमें यहाँ की रायबरेली की जनता लड़ा रही है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस व्यक्ति को मुझे उतारा है यहाँ पर, तो रायबरेली की जनता ने भी मन बना लिया है कि इस बार यहाँ पे जो बाहुबली का 25 साल से राज चल रहा था, और चूंकि 25 साल से विकास के नाम पर विनाश जो हुआ है, रहा कि जनता मुझे लड़ाएगी चुनाव। आपने यहाँ ऐसा क्या किया जो जनता आपका नाम आगे करेगी भाजपा की? मैं 2007 से क्योंकि मैं वकील भी हूँ, 2007 से समाज सेवा कर रही हूँ बराबर निरंतर। अगर मैंने वकालत भी किया तो निःशुल्क गरीबों की मैंने सेवा की है, कतई कहीं कभी कोई फीस नहीं लिया है। मैं जनता के बीच में बराबर सेवा करती हूँ, समाज सेवा करती हूँ। और अभी आप देख लीजिए तो यही जिन गलियों में आप चुनाव प्रचार कर रही हूँ, गलियाँ ही गंदगी से सनी हुई हैं और गड्ढे हैं, तो इसके लिए किस तरह से आप आ गया? इसलिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने मुझे यहाँ पे उतारा है कि जिस तरीके से ये 70 साल में कांग्रेस ने राज किया, आप देख रहे वीवीआईपी इसको कहा जाता है जहाँ पे खड़े हैं, लेकिन आप 10 मिनट अगर खड़े हो जाइए तो मुझे लगता है कि आप बीमार हो जाएंगे। तो इसी ये पूरे रायबरेली की स्थितियों को सुधारने के लिए 25 साल विधायक अखिलेश सिंह को जनता ने दिया है। मैं 25 महीने केवल अपनी जनता से मांगती हूँ, 25 महीने में रायबरेली का इतिहास। आपके सामने जो अदिति हैं वो तो बड़ी ऊंची डिग्री लेकर आई हैं, उनके पिता बड़े नेता बाहुबली माने जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये मुकाबला बराबरी का नहीं है और कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी, आप पिछड़ेंगी? नहीं, बिल्कुल हमारे साथ हमारी जनता है, हमारे सारे वकील भाई हैं, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है, और सबसे बड़ी चीज जो जनता की ताकत हमारे साथ है, और जनता हमारी जवाब देने के लिए तैयार है। वो जनता जिसके जिसके लिए मन बना लेती है वो कैसे कैसे डर सकता है, कैसे सहम सकता है अच्छा चुनाव। तो महिलाओं की जो स्थिति उत्तर प्रदेश में, उसको लेके आप महिला नेता हैं, बहुत सारी महिलाएं इस समय मैदान में हैं, आपके सामने भी एक महिला है, तो आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तो पहली चीज जो कानून ध्वस्त कानून व्यवस्था है, इसमें पूरी तरीके से सुधार आएगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। और रायबरेली में या पूरे प्रदेश में जिस तरीके से ध्वस्त कानून व्यवस्था फैली हुई है, रायबरेली में भी हमारे 5 साल बच्ची के साथ बलात्कार होता है और उसके बाद कप्तान बना रहता है, लेकिन आप लोगों से मैं वादा करती हूँ कि अरुण वर्मा का भी मामला हो गया, तो अब ये सपा की सरकार में तो गुंडे ही होती है भाई, और होती रहेगी जब तक सपा सरकार रहेगी। इसीलिए तो जनता ने मन बना लिया सपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का, क्योंकि ये दोस्त कानून व्यवस्था इनकी सरकार बनते ही सारे इनके लोग जो है दंगे फसाद करने लगते हैं। उधर भी आदित्य सिंह तो महिला है, प्रियंका गांधी खुद आती है, आदित्य सिंह को टिकट दिलवाती है, आपको नहीं लगता कि प्रियंका गांधी की यहाँ पर जो पहचान है, गांधी परिवार की जो पकड़ है, उसको देखते हुए इससे प्रभाव पड़ेगा कुछ? आप कतई कर कुछ नहीं, हाय बाय से रायबरेली वाली जनता कतई कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाय बाय वाले ने बांध गया, और क्या, मैं जमीनी नेता हूँ, मैं किसान की बेटी हूँ, गरीब की बेटी हूँ, और किसानों का मुद्दा गरीबों का मुद्दा लेके मैं शुरू संघर्ष करती हूँ, आगे भी करती रहूंगी। हमारी रायबरेली की जनता जिस तरीके से परेशान हुई है, मैं कतई अब होने नहीं दूंगी, ना मैं गलत करूंगी ना गलत कर रही हूँ। ये मैं मोदी जी के पद चिन्हों का अगर उनका कुछ हिस्सा अगर मुझे मिलेगा तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी, ना गलत करूंगी ना गलत करने दूंगी, ना खाऊंगी ना खाने दूंगी। हम बात कर रहे थे रायबरेली की सदर सीट से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं अनिता श्रीवास्तव, उनसे उनके बातचीत में तो यही नजर आया कि हौसले बहुत बुलंद है, लेकिन टक्कर भी उतनी कड़ी है। सामने अदिति सिंह है जो अखिलेश सिंह की बेटी है और ये उनका गढ़ माना जाता है, और कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रियंका गांधी के जरिए उनको टिकट हासिल हुआ है, निश्चित तौर पर अपनी ताकत झोंक रखी है। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी 265 से आगे 300 सीटें लाने का दावा कर रही, तो एक एक सीट महत्वपूर्ण होगी, और अनिता श्रीवास्तव तो कहती है कि 500% वो इस सीट से जीतने जा रही है। फिलहाल तो हम शुभकामनाएं ही दे सकते, क्योंकि क्या होने वाला है ये तो सभी को 11 मार्च को ही मालूम पड़ेगा। धन्यवाद।